और किन देशों में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, कहां भड़का ज्वालामुखी, और अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर कहां से आई भारतीयों के लिए अच्छी खबर। दुनिया भर की खबरें देखते हैं टॉप 9 विश्व की खबर में। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर ट्रंप को करारा झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने H-1B के नए नियम लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले से भारतीयों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नए नियम के मुताबिक करीब 2.5 लाख लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ता। न्यूयॉर्क की धरती भूकंप के तेज झटके से कांप उठी। भूकंप का केंद्र नेवादा से करीब 24 किलोमीटर दूर था। देर रात करीब 11:30 बजे 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चुनाव टीम ने विस्कॉन्सिन के चुनावी नतीजे को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मेल वोटिंग में धांधली की शिकायत की गई है। ट्रंप की टीम ने 4 केस के जरिए चुनाव में धांधली की शिकायत की है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अक्टूबर के महीने में ईरान पर बैन लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध किया था। इन देशों का कहना था कि ईरान पर और बैन लगाने से मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने पिछले दिनों ईरान के बैंकों समेत कई संगठनों पर बैन लगाया है। अमेरिका ने चीन पर नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंधों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की अनदेखी कर चीन नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार और तकनीक दे रहा है। इसके साथ ही चीन पर नॉर्थ कोरिया से अवैध तरीके से व्यापार करने का आरोप भी लगा है। इसराइल में PM बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसराइल में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि संसद को भंग कर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। विपक्ष ने बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। बेलारूस में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर सख्ती के बाद अब विपक्ष ने नई रणनीति तैयार की है। विपक्षी दल उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरत रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी सरकार बनने के बाद ऐसे अधिकारियों को सजा दी जाएगी। थाईलैंड में सेना के राजशाही समर्थक जवानों में फूट की खबर है। सेना का एक गुट अब लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन कर रहा है। लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी PM के इस्तीफे और राजशाही में सुधार की मांग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में पिछले साल ज्वालामुखी फटने से 22 लोगों की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। 10 संगठनों समेत 3 लोगों पर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप है। 9 दिसंबर को ज्वालामुखी फटने से पहले ये द्वीप पर्यटकों की पहली पसंद हुआ था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।